तेलंगाना असेंबली का पहला इजलास 17 जनवरी को मुनक्किद होगा। इससे पहले 16 जनवरी को प्रोटेम स्पीकर की हैसियत से मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली चारमीनार मुमताज अहमद खान हलफ लेंगे। वज़ीर-ए-आला केसीआर के दफ्तर से जारी एक प्रेस नोट में बताया गया है, 16 जनवरी को राजभवन में गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन मुमताज अहमद खान को प्रोटेम स्पीकर के अहदे से हलफ दिलवाएंगे और 17 जनवरी को असेंबली के इजलास के पहले दिन 9 मुंतखबा अराकीन असेंबली हलफ लेंगे और इसके बाद स्पीकर के इंतखाबात का शेड्यूल जारी होगा और 18 जनवरी को नए स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा, जिसके बाद 9 मुंतखबा स्पीकर बीएससी की मीटिंग तलब करेंगे और गवर्नर के खिताब के मुताबिक फैसला लेंगे और 19 जनवरी को गवर्नर असेंबली के इजलास से खिताब करेंगे, जिसके बाद 20 जनवरी को ऐवान में तहरीक इजहार तशक्कुर पेश किया जाएगा और खिताब करने पर गवर्नर का शुक्रिया अदा किया जाएगा और इस पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर सोदीन अवेसी ने भी ट्विटर पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की न्यूज़, हैदराबाद।